है, चार दिन के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, ये टोटली डेडिकेट होते हैं इन्हीं बच्चों के लिए, स्कूल कॉलेजेस के। और इसके दौरान वो जानते हैं कि पंजाबी जो ठेठ भाषा होती है वो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, और हम उनको बताते भी हैं कि किस तरीके से जो हमारा कल्चर ख़त्म हो रहा है उसको कैसे बचाया जा सकता है। और ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती, वैसे उसी चीज़ को बरकरार रखने के लिए ये जो है चार दिन का मेला होता है बच्चों का, और उससे हम अपने पंजाब के कल्चर को, हेरिटेज को जिंदा चाहते हैं कि हो। ये एक दो साल में नहीं है, ये कुछ दिनों में बच्चे सीखते हैं हमारे। ये स्कूलों से आते हैं, आप कभी आप मिलिए उनसे, स्कूल से बिल्कुल वो नौ सीखे होते हैं, बिल्कुल न्यू होते हैं, तो उनको हमें टैलेंट होता है। ये हमारे यहाँ पे हम जब शुरू में कॉलेज में बच्चे आते हैं तो बिगनिंग में हम टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन्स करते हैं, तो उसमें हम बच्चों की को सर्च करते हैं, तो उन्हीं कॉम्पिटिशन्स में से ये बच्चे हम ढूंढते हैं, और वो बच्चे हमें तब इन कॉम्पिटिशन्स में हम उनकी तैयारी करवाते हैं। तो ये हमारे अपने डिपार्टमेंट हैं, फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है, फाइन आर्ट्स हैं, जो हमारे ये टीचर हैं खुद ही बड़े टैलेंटेड हैं, तो वो उनको खुद अपने हमारे ही टीचर सिखाते हैं, हम कहीं बाहर से इनकी ट्रेनिंग नहीं लेते। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमारे बच्चों का अपना टैलेंट है जो बाहर उभर उभर के आता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अब आप देखो फैशन डिजाइनिंग का मैं बता रही हूँ, जैसे अभी ये जो हैं, नहीं आप ये नहीं कहिए कि हमारे पक्की मेकिंग का कोई हमारा या चिकू मेकिंग के कारण उनको नौकरियां मिलेंगी या उनका कोई बिजनेस चलेगा, क्योंकि ये चीजें बड़ी ट्रेडिशनल हैं। बस उनको हमने इनके जरिए बताना है बच्चों को कि ये हमारे गाँव की, ये अभी भी बिल्कुल आप इंटीरियर में चले जाइए तो अभी भी वहाँ चीजें ये यूज होती हैं, पर हमारे बच्चों ने कभी कोई, मेरे को लगता है गाँव भी नहीं देखे होंगे, तो वो उन गाँव को हम यहाँ लेके आते हैं। हमने अपने कॉलेज में एक हेरिटेज कॉर्नर बनाया हुआ है, आप बाहर देख सकते हैं, पंजाब का हेरिटेज कॉर्नर है, उसमें हमने ये पूरा ही मिट्टी का घर बनाया है और उसमें पंजाब की हर चीज रखी है, चरखा से लेके पूरा। आप एक बार आप, हमारे बच्चे वो विजिट भी करते हैं, उसको देखते भी हैं, और हम वहाँ पे आप कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पे डेली जो है बच्चों की कोई क्लासेस शुरू करें इसी पंजाबी हेरिटेज कल्चर को लेके। मैंने आपको बताया कि जितने भी गर्ल्स कॉलेजेस हैं, जैसे अब चंडीगढ़ में होम साइंस कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज हमारे 11 सेक्टर में गर्ल्स कॉलेज है, खालसा कॉलेज का हमारे श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज है, वो भी हमारे 26 सेक्टर में गर्ल्स कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज एक 42 सेक्टर में है गर्ल्स कॉलेज है वो भी, तो एक हमारा अपना कॉलेज हो गया। तो ये जितने भी लड़कियों के कॉलेज यहाँ पे हमारे चंडीगढ़ में है, बाकी यहाँ पे माछीवाड़ा, भाई माए भागो, यहाँ से भी ये आते हैं पंजाब से भी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर है। प्राइजेस फर्स्ट सेकंड थर्ड उनको हम प्राइजेस देते हैं, ग्रुप आइटम्स के लिए अलग होती है, उसमें इंडिविजुअल भी होते हैं।
तो एंड में जो होता है एक रनिंग, जो रनिंग ट्रॉफी भी होती है, जो कॉलेज जो है उनकी मार्किंग होती है प्राइजेस की, और जो मैक्सिमम मार्क्स लेता है तो उसको हमारी ऑलराउंडर ट्रॉफी जाती है। I'm Komal here from Dev Samaj College. हमारा कॉलेज यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा है और बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली हर एक इवेंट जा रहा है एंड एवरीथिंग इज गोइंग सो परफेक्ट। अभी यहाँ 3 वेन्यूज लाइक बेसमेंट वेन्यू पंडाल एंड सेमिनार रूम, हर एक इवेंट के लिए अलग अलग प्लेसेज अलॉटेड है। लाइक फॉर पंडाल वी हैव द इवेंट फॉर द म्यूजिक वोकल, एंड फॉर द बेसमेंट वी हैव द फाइन आर्ट्स इवेंट्स, एंड फॉर द सेमिनार रूम वी हैव द हेरिटेज क्लब, एंड एवरीथिंग इज गोइंग सो परफेक्ट। हमने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए एंड जो दूसरे कॉलेजेस के इतने सारे कॉलेजेस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वी आर सो फ्रेंडली विद देम एंड वी आर फीलिंग लाइक स्ट्रेंजर्स विद देम, एंड वी हैव मेड लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स और होप वी विल बी इन कॉन्टैक्ट इन फ्यूचर एज वेल। सो थैंक यू अ लॉट।